जी जैन, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट एडजस्टमेंट ऑर्डर को लेकर आया। काफी बड़ा और यूनिक एडजस्टमेंट ऑर्डर आया है फाइनेंशियल 2021 एंड 2023-24 दो ईयर यहाँ पर कवर्ड है। दोनों के लिए काफी बड़ी रिलीफ दी गई है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 2021 और 2023-24 ये दो ईयर कवर है और इसमें क्या बड़ी रिलीफ है यहाँ पर वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर जो है आईटीसी को लेकर चैलेंज किया गया है। आईटीसी जीएसटीआर 2A और 3B जीएसटीआर 3B और 2A मिसमैच की बात की गई है। तो यहाँ पर जब आज की डेट में 2B से ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, 2B मैंडेटरी है, उस केस में भी यहाँ पर एसएससी को रिलैक्सेशन मिल गई है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है जो कि आपको रिलीफ दिला सके। यहाँ पर जो है एसएससी ने चैलेंज किया है जो ऑर्डर पास हुए हैं और दूसरा बैंक अकाउंट अटैचमेंट हो गए हैं उनको भी यहाँ पर कि बैंक अकाउंट को भी यहाँ पर डिफ्रीज किया जाए। तो यहाँ पर आप एसएससी के नाम से इसको सर्च करके ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट से खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा नोटिस आए या आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो जाए, आप अपील में जा रहे हो, तो आपको ये वाला जो जजमेंट ऑर्डर है कोर्ट करना ही करना है। ठीक है, आने वाले टाइम में भी काफी रिलीफ प्रोवाइड करने वाला है। इस टाइप के जजमेंट ऑर्डर है जहां पर 2B की वजह से काफी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि काफी सारे एसएससी है उनकी लेट रिटर्न फाइलिंग की वजह से जो है उनको जो डाटा है वो 2A में तो शो करता है लेकिन जो आईटीसी क्लेम है वो नहीं कर पाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग उनके मिसमैच के नोटिस यहाँ पर काफी सारे इशू किए जा रहे हैं, डिपार्टमेंट से जो है नोटिस भेजे जा रहे हैं लगातार। तो आप भी अपने जीएसटी पोर्टल पर अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखें, कोई भी कम्युनिकेशन आए उसका रिप्लाई आप जरूर करें। यहाँ पर जो है एसएससी ने कहा है कि उनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी और कैसे काफी सारे फैक्ट्स है वो सब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप के काफी सारे जजमेंट वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है जहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के काफी सारे जजमेंट ऑर्डर यहाँ पर वीडियोज में अपलोड किए गए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई की आपको रिप्लाई कैसे करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या अटैचमेंट्स लगने वाली है, या अपील में जा रहे हैं तो अपील में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या अटैचमेंट्स लगेगी, सबके लिए यहाँ पर जो है डिटेल वीडियो अवेलेबल है और उनके जो ड्राफ्ट फॉर्मेट्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में से आप उनको डायरेक्ट यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, इसीलिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए और ये वीडियो देखकर आप खुद से सीख सकते हैं किस तरीके से आपको रिप्लाई करना है, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं। इस वाले एजमेंट ऑर्डर में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर इस रेट पिटिशन में चैलेंज किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 को कि इसका एक ऑर्डर पास हुआ था उसको भी यहाँ पर चैलेंज कर दिया गया कि उसको क्वेश्चन किया जाए क्योंकि वो आर्बिट्रेरी नेचर का है। ठीक है, सेक्शन 73 में पास हो रखा है, 17 नवंबर का इसकी डेट है। दूसरी यहाँ पर इसी सेम रेट पिटिशन में फाइल की गई है, ये रिट पिटिशन के थ्रू फाइल की गई है, कॉमन ऑर्डर आया है क्योंकि इशू जो है वो कॉमन था, कॉमन यहाँ पर इन्होंने सबमिशंस प्रोवाइड किए। रिट पिटिशन में कहा गया है कि आप जो है यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट से कहा गया है कि ये जो ऑर्डर पास किए गए हैं इनके द्वारा उसको यहाँ पर जो है क्वेश्चन कर दिया जाए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के रिगार्डिंग एलोंग विद DRC 13। DRC 13 में जो है ये इशू किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, यहाँ पर बैंक को इशू किया गया है कि भाई आप जो है इनका बैंक अकाउंट अटैच कर दीजिए, अकाउंट नंबर और डिटेल सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इस फॉलोइंग पैन नंबर से रिलेटेड ये डिटेल्स है जहां पर ये बैंक जो है वो अटैच कर दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसको भी यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट फाइल की है कि इसको जो है जो ये ऑर्डर हुए हैं उनको कैश किया जाए और जो रेस्पोंडेंट यानी कि जो बैंक है उनको भी यहाँ पर डायरेक्शन दी जाए ताकि वो बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करे। ठीक है, तो ये वाले जजमेंट ऑर्डर में ये पॉइंट्स भी हैं कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड ये वाले जजमेंट ऑर्डर भी आपके लिए वैल्यूएबल है अगर आपके बैंक अकाउंट्स अटैच हो गए हैं तो उसमें आपको ये वाले एजमेंट ऑर्डर मेंशन करने हैं। आइए अब यहाँ पर समझिएगा क्या फैक्ट्स थे। दो रिट पिटिशन यहाँ पर थी सेम एस, उसमें एक ही कॉमन ऑर्डर पास किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है चैलेंज किया गया है कि यहाँ पर जो है कंसिक्वेंसल अटैचमेंट ऑर्डर को भी चैलेंज किया गया है और मेन जो यहाँ पर डिमांड ऑर्डर पास किए गए उनको भी यहाँ पर चैलेंज किया गया। पिटिशन एज सेड दैट ही वाज अनअवेयर ऑफ द प्रोसीडिंग्स कल्मिनेटिंग इन द इम्पंज असेसमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये काफी सारे एसएससी को यूज कर रहे हैं, जीएसटी पोर्टल पर ये जो पीयू का पॉइंट था ये चेंज हुआ है और ये जीएसटी पोर्टल तो कॉमन पोर्टल है, आप किसी भी स्टेट में हो किसी भी यूटी में आपका रजिस्ट्रेशन हो तो आप ये वाला जो पॉइंट है उसके बेस पर चैलेंज कर सकते हैं कि जो नोटिस थे पहले वो नॉर्मल तरीके से अपलोड किए जाते थे अब वो व्यू एडिशन नोटिस एंड ऑर्डर टाइप में अपलोड किए जा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पर, लेकिन एसएससी को जो है किसी अदर मोड से कम्युनिकेट नहीं किए जा रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में जो है डिपार्टमेंट की तरफ से अदर मोड भी कम्युनिकेट होना शुरू हो जाए। और जो इशू इन्वॉल्व था वो 3B 2A मिसमैच का है। लैंड काउंसिल फॉर द पेटिशनर समेज दैट द टैक्स प्रपोजल पर्टेन टू द मिसमैच बिटवीन जीएसटीआर 3B एंड ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 2A। इफ एन अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड लैंड काउंसिल समेज दैट द एसएससी वुड इन पोजीशन टू एस्टेब्लिश दैट ओनली एलिजिबल आईटीसी पर वाज अवेयर। देखिए यहाँ पर जो है एसएससी ने ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर में पॉइंट रख दिया है, क्या पॉइंट रखा है
2B की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, 2A 2B की बात नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि SSC ये प्रूफ करना चाहते हैं कि उनके पास सारे एविडेंस अवेलेबल है कि उन्होंने केवल एलिजिबल ITC क्लेम किया है। ऑन इंस्ट्रक्शन लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशन समिट्स दैट पेटिशन एग्री टू 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड, और यहाँ पर जो है 10% जो है डिस्प्यूट टैक्स डिमांड का भी है जमा करने के लिए रेडी है। देखिए अगर आप जो है अपील में जाते हैं वहां पर भी आपको जो है 10% जमा करना होता है, और अपील में जो है आपके फेवर में केस आने के चांस काफी कम होते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी एडिशनल पॉइंट्स कवर नहीं होते हैं, और जहां पर आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया तो वहां पर आपने कोई सबमिशन ही नहीं दिया तो एडिशनल वहां पर कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अपील में जाने का तभी बेनिफिट है जब आपने रिप्लाई सबमिट किए हों और आपके एक्सेप्ट ना हुए हों, तब तो आपको अपील में जाने का फायदा होगा। अदरवाइज जो है आप जो भी अदर रेमेडीज अवेलेबल है जैसे रेक्टिफिकेशन हो गया या फिर उसके अलावा रिट पिटीशन हो गया वो भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप अपील में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको 10% डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया रेस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 2 की तरफ से। ही पॉइंट आउट दैट द रिकवरी नोटिस वाज सर्व्ड ऑन द पेटिशनर ऑन 27th of December 2023। इन्होंने कहा कि पहले इम्पंज ऑर्डर पास किए गए उसके बाद इनके पास रिकवरी के नोटिस भी भेजे गए, और ये डिपार्टमेंट ये कह रहे हैं कि इनके पास नोटिस नहीं मिले हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। जो SSC जिन्होंने 17, 18, 18, 19 के जिनके नोटिस हो चुके हैं और नोटिस के बाद उनके पास ऑर्डर भी आ गए हैं, और उन्होंने अभी तक उसका कोई भी ना तो उसको चैलेंज किया है और ना ही उसको सबमिट किया है। तो अब देखिए डिपार्टमेंट की तरफ से रिकवरी भी स्टार्ट हो चुकी है। आने वाले टाइम में आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी आपके बैंक अकाउंट अटैच करके उसमें से विड्रॉ कर लिया जाए, क्रेडिट लेजर से विड्रॉ कर लिया जाए, या प्रॉपर्टी अटैचमेंट के ऑर्डर निकल जाए, उससे बेटर है कि जो भी रेमेडीज अवेलेबल है आप टाइम रहते उनको अवेल करें, या अगर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है तो आप उनको डिपॉजिट करा दें। He contends that the petitioner was aware of the proceedings. He also point out that the impugned order was preceded by so-called notice. उनका ये कहना था कि इनको सब बारे में हर नोटिस के जो ऑर्डर भेजे गए इनको इसके बारे में जो है जब बैंक अटैचमेंट्स हो गए हैं रिकवरी के नोटिस इनको आ गए तब तो एटलीस्ट इनको इस बारे में नॉलेज हो ही गई होगी। इससे पहले जो है यहाँ पर उन्होंने ये भी सबमिट किया है कि जो impugned order है उससे पहले so-called नोटिस भेजे गए हैं, sufficient opportunity भी इनको दी गई है, लेकिन SSC ने इसको अवेल नहीं किया। ऑन परयूजल ऑफ द इम्पंज ऑर्डर, अब यहाँ पर फैक्ट देखिएगा किस तरीके से कंसीडर किए जा रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने ये चीज कंसीडर किया है कि इम्पंज ऑर्डर से तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो टैक्स प्रपोजल हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि GST R 3B 2A का मिसमैच था। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट द टैक्स प्रपोजल वाज कन्फर्म्ड बिकॉज द पेटिशनर फेल्ड टू रिप्लाई द सो कॉल्ड नोटिस, और ये जो टैक्स प्रपोजल है कन्फर्म इसलिए हुआ है कि पेटिशनर जो है फेल्ड हो गया रिप्लाई सो कॉल्ड नोटिस के रिप्लाई। In these circumstances, albeit by putting the petition on terms, the interest of justice warrants that an opportunity be provided to the petitioner to contest the demand. तो यहाँ पर जब ये कंडीशन लगाते हुए 10% की अलाउ कर दिया गया तो यहाँ पर हर SSC को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो जो है एक्चुअल बेस पर मतलब अपने मेरिट्स के बेस पर जो है अपने टैक्स की डिमांड को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, और जब भी आप रिप्लाई करें आपको एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर को मेंशन करना है। अपील में जा रहे हो तो वहां भी मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ पर 2A 3B मिसमैच को लेकर SSC ने चैलेंज किया और उनको यहाँ पर अलाउ किया गया, ठीक है। अदरवाइज ये भी बात आ सकती थी यहाँ पर कि जितना आपके पोर्टल पर अवेलेबल है उतना डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस गया है इसलिए आपको मिसमैच के नोटिस आए हैं, आपको ये टैक्स जमा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है SSC की ये पॉइंट्स पर कि वो सबमिट करना चाहते हैं अपने प्रूफ्स को एक्चुअल बेस पर इसको क्लेम कराना चाहते हैं इसलिए उनको ये चीजें अलाउ की गई। फॉर द रीजन सेट आउट अबव द इम्पंज एजमेंट ऑर्डर डेट इज सेट असाइड एंड द मैटर इज रिमांड बैक फॉर कंसीडरेशन subject to the conditions that petitioner remit 10% of disputed tax demand as agreed within a period of 2 weeks from the date of receipt of copy of this order. ये जो order थे इन सबको set aside कर दिया गया है, matter remand back किया गया है, 10% disputed tax demand जो है ये जमा करेंगे within the aforesaid period. उसके साथ ही अपने reply को भी submit कर सकते हैं, तो additional reply का यहाँ पर जो है benefit मिल गया है SSC को. Upon receipt of the petition reply and upon being satisfied 10% of disputed tax demand was received, the फर्स्ट रेस्पॉन्डेंट इज डायरेक्ट टू रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है जैसे इनके रिप्लाई मिल जाए और 10% जमा हो जाए तो आप इनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे इंक्लूडिंग ए पर्सनल हियरिंग, उसके बाद एक फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर पास होगा 3 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ जिस दिन पेटिशन का रिप्लाई मिले। इसीलिए यहाँ पर जो इम्पंज असेसमेंट ऑर्डर है उनको सेट असाइड किया गया, बैंक अटैचमेंट इज रेज, जो बैंक अटैचमेंट है वो अभी एजिटेज रहेगी जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते। तो यहाँ पर जो है ऐसे अपने रिप्लाई को सबमिट करेंगे उसके बाद केस फाइनल होगा, उसके बाद जो भी अगर फेवरेबल जजमेंट अगर इनके फेवर में रिजल्ट्स आ जाते हैं फाइनल ऑर्डर में तो फिर यहाँ पर जो है बैंक अटैचमेंट्स को रिलीज भी कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो SSC को रिलैक्सेशन मिल गई है, इस रेट पिटीशन में फाइनेंशियल 2021 एंड 2023-24 कवर हुए हैं, दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी ईयर से रिगार्डिंग दोनों में से नोटिस मिल जाता है तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्रोसीडिंग्स करवा सकते हैं। इसके अलावा 17, 18, 18, 19, 19, 20 के तो काफी सारे असेसमेंट ऑर्डर्स हैं यहाँ पर SSC को रिलीफ दी गई है। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें,
जरूर देखें, इस टाइप के काफी सारे वीडियोज यहाँ पर अपलोडेड है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।